नमस्कार घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं आयुषी जैन, आज हमारे साथ मौजूद है फाइनेट प्रोफेसर एकता मेहता। आइए जानते हैं उनके प्रोग्राम के बारे में। फेमिनिज्म जो आपका प्रोग्राम है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? फेमिनिस्ट शो जो इंदौर में बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है, उसका मकसद ये है कि जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो विपरीत परिस्थिति बनती है और उसका हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर लाना है, उसके लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हर विपरीत परिस्थिति में बच्चों को उनके साथ ताकत से उनका विरोध करना है। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग जैसे पेपर न्यूज़पेपर में पढ़ते आए हैं, काफ़ी सारा साहित्यिक वर्डों में लिखा रहता है कि ये सोल्यूशन होना चाहिए, वो सोल्यूशन होना चाहिए, पर उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो एक ही सोल्यूशन है, सिर्फ एकमात्र, कि जो भी रेपिस्ट है उसे ऑन द स्पॉट मार देना चाहिए। जिसे भी वो पकड़ में आता है उसको बस इतनी डाल दें कि उसको इतनी बुरी तरह से मारना चाहिए ताकि जो दूसरे जो हैं फ्यूचर में करने वाले हैं जो इस तरह से, उन्हें बस इस तरह से सबक मिल सकता है। सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है मेरी तरफ। बहुत सारे रेप होते हैं पर आजकल जो है बच्चों के साथ 3 महीने की है, साल भर की है, तो उनके लिए जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए वो इन रेपिस्ट के लिए होना चाहिए और ज़्यादा छोटे बच्चों के होना चाहिए। जो टीनेजर्स है, छोटे हैं, छोटे से 18 से आप देख ही रहे कितने सारे केस आ रहे 3 महीने के बच्चे, वो उनको क्या बच्चे ही है ना, वो लाइक 1 महीने का, और ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं हमारे पास, नंबर ऑफ केसेस है। तो उन रेपिस्ट विक्टिम के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए जिन पे जल्दी डिसीजन हो और उनको सजा हो, वो भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। और इसे जो रोकने के लिए वो हमें सबको ये करना चाहिए, लाइक जो बचपन से है इंदौर में, आप बड़े शहर में हो तो वहाँ इतना नहीं होता है, पर आप छोटे शहर गांव में जाते हो तो वहाँ अभी भी ये थिंकिंग है, गर्ल्स के लिए अलग सोच है, बॉयज़ के लिए अलग सोच है। तो जो मॉम है या घर पे पेरेंट्स है उनको बचपन से इक्वालिटी रखें लड़का लड़की में, और हम अपनी बेटी को बाहर जाने से रोकने की बजाय हमारे जो लड़के हैं उनको सिखाएं कि आपको कैसे ट्रीट करना है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।